गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज भी प्रदीप बालू जी के साथ उपस्थित हुए हैं संडे इज फंडे को लेकर। और आपको पता है कि संडे इज फंडे के दिन हम गेम्स आपको एक जरूर देते हैं जो बहुत अच्छा होता है खेलने के लिए। और अब की बार भी हम संख्याओं से संबंधित एक खेल लेकर आए हैं। आपको दिख रहा होगा कुछ कार्ड्स पर मैंने संख्याएं लिखी हुई हैं और ये बहुत सारे कार्ड हमारे पास यहाँ उल्टे रखे हुए हैं, उल्टे करके रखे हुए हैं। और इनमें हमने थोड़ा सा फर्क ये भी किया है, यदि आप देखेंगे इन दोनों में छह और नौ में भी छह को मैंने थोड़ा सा गुंडी करके मोड़ा, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, जब ऐसे आ जाएगा या ये ऐसे आ जाएगा, इसको नौ ना समझे या इसको छह ना समझे। ठीक है, तो खेल शुरू करते हैं। प्रदीप जी, खेल का नियम मैं आपको बता देता हूँ। पहले खेल का नियम हमारे पास ये रहेगा कि हमारे पास जितने भी ये सारे कार्ड पड़े हैं उसमें से आपको एक कार्ड उठाना है। ओके, एक कार्ड उठा के उसमें जो अंक होगा इकाई सैकड़ा हजार किसी भी स्थान पर उसको रख सकते हैं। अच्छा, फिर एक कार्ड मैं उठाऊंगा, मैं किसी भी स्थान पर उसको रख दूंगा, फिर एक कार्ड फिर आप बनाना, आप किसी भी स्थान पर उसको रख देना तो खाली होगा। फिर देखेंगे कि किसकी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या बनेगी। okay. और जिसकी संख्या सबसे बड़ी होगी उसके लिए हम एक अंक रखेंगे या दस अंक रखेंगे, जो भी रखेंगे। अब देखते हैं कितनी संख्या बना सकते हैं। तो इसमें कोई भी जीत सकता है जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो कार्ड का गेम है कि कार्ड कौन सा हमारे पास है, उसके बाद दिमाग से रखेंगे उसको कहां पे। तो प्रदीप बालू जी आप तैयार है? शुरू कीजिए सर। एक कोई भी कार्ड उठा लीजिए आप। मेरे पास आया है, पांच अंक आया है और मैं इसको कहीं भी किसी भी जगह लिख सकता हूं। लिखो आप अपनी मर्जी से। पांच तो सैकड़े के स्थान पर लिख रहा हूं। या मेरे पास नौ आ गया है और नौ आपको पता है कहां रखना है, हजार पे ही रखना है। मैंने सैकड़े में इसीलिए रखा था क्योंकि लोग मेरे पास भी आ सकता है। तो ये कार्ड अलग रखते रहें जो कार्ड आ चुका है, अब इनमें से उठाएं। हमने ये एक एक करके कई कई कार्ड इसमें रख रखे हैं। मेरे पास एक अंक आया है, एक आया है और मैं इसको इकाई के स्थान पर भी लिखूंगा। नहीं, मैंने कोई चीज नहीं किया, सारे कार्ड हैं। और कार्ड की पहचान तो नहीं, मेरे पास कार्ड की कोई पहचान नहीं है, लेकिन नौ फिर आया है तो नौ फिर मैंने सैकड़े पर रख दिया। बस मिनट तो आप बोलिए मेरा सैकड़े का नहीं, फिर भी गेम को पूरा करें और अगली बात देख लेते हैं। मेरे पास उल्टा दे दिए, सिक्स है। हां, ये कभी तो मैंने किया था, नहीं सिक्स आया है, सिक्स को कहीं भी रख सकते हैं। बस अब तो बीस का बीच में छह आ गया है और मेरे पास तीन आया है और तीन को मैं इकाई पे रखूंगा। मेरे पास आठ आया है तो मेरी तो बड़ी संख्या यही बनेगी। आप देखिए मेरे पास चार आया है तो मैं चार पे रख दिया। अब इसके अंदर एक और चीज आप कर सकते हैं कि बड़ी संख्या हमारे पास ये है तो हम निशान भी सिखा सकते हैं साथ। yes, ये yes. बड़ी संख्या है तो उधर का उधर संख्या छोटी है, ये हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन का भी हम निशान से सीख। ठीक है प्रदीप जी, एक बार फिर से इसको शुरू करते हैं। और लो, मैं फिर इसको आप अपनी मर्जी से उठा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जी एक लिखा है, एक रखिया गाय की सीट में गाय को रखना पड़ेगा। एक है मेरे पास भी तो मैं भी प्रदीप जी के साथ चलूंगा, बराबर संख्या भी आ सकती है इसमें, ये ध्यान रहे। अब मेरे पास सेवन आया और सेवन को मैं यहां पर रख लेता हूं। सेवन 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 पांच आया मेरे पास, अब पांच मैं थोड़ा और खेलूंगा देखूंगा, पांच मैंने यहां रखा है। मेरे पास फोर आया है, चार और फोर को मैं दहाई के स्थान पर रखूंगा। मेरे पास नाइन आ गया है तो मैं नाइन यहां रखूंगा। अच्छा, अब देखिए मेरे पास भी नाइन है और आई एम गोइंग टू बी अ विनर। देखते हैं इसको उठा के देखते हैं, नीचे पड़ा हुआ है, सिक्स आया है। और अब की बार
अपनी बार बिहार मैं भी बन गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से घर पे आप बच्चों के साथ ये खेल खेल सकते हैं बड़ी आसानी से। संख्याएं बनाना, सबसे पहली बात उसको ये बता लेगा कि सबसे बड़ी संख्या हम यदि सबसे बड़े स्थान पर रखते हैं तो हमारी संख्या बड़ी बनेगी। दूसरी बात यह है कि बड़ी और छोटी संख्या का अंतर भी उनको समझ में आएगा, निशान का पता लगेगा, बराबर संख्याएं भी आएगी और वो अपने दिमाग से सोच भी सकेगा बच्चा कि यदि मेरे पास एक आया है उसको मैं हजार पे रखूं, इकाई पे, दहाई पे, सैकड़ा पे, ताकि आगे आने वाला अंक मेरा किस प्रकार का हो कि मेरी संख्या बड़ी बन जाए। इसको हम छोटी संख्या के रूप में भी ले सकते हैं, किसकी संख्या छोटी बनेगी वो भी ना होगा। क्यों प्रदीप जी, ये तो गेम के रूल है, अपने हिसाब से कर सकते हैं हम, और इससे बच्चों को मतलब इंटरेस्टिंग वे में हम संख्याओं का ज्ञान दे सकते हैं कि अगर हम छोटा अंक सबसे आगे रखेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम संख्याओं के माध्यम से उनको कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, इस प्रकार इंटरेस्टिंग तरीके से उनको हम खेल खेल में सिखा सकते हैं। इसके अंदर हमने शून्य भी रखा है कि हम छोटी संख्या यदि बनाएंगे तो शून्य हमारे पास कहाँ रखा जाएगा। तो आशा है कि ये गेम आपको पसंद आएगा, क्योंकि हर बार हम इस तरह का कोई ना कोई अच्छा गेम आपको देते हैं और आप हर बार उसे पसंद भी करते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग डे बिकॉज संडे इज फन डे।